गगहा थाना क्षेत्र में काजल सिंह हत्याकांड के एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बड़को तिराहा पर से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जयंती देवी पत्नी सुभाष प्रजापति ग्राम जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि राजीव नयन सिंह निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा तथा उसी गांव के रहने वाले सुभाष प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति के मध्य कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद व कहा सुनी हो गया था, जिसको लेकर सुभाष प्रजापति के लड़के विजय कुमार प्रजापति अपने दो अन्य साथियों के साथ उसके घर पर जाकर राजीव नयन से मारपीट करने लगे। उसी दौरान राजीव नयन की लड़की काजल मारपीट की घटना का वीडियो बनाने लगी, जिसकी वजह से विजय ने काजल को गोली मार दिया। इलाज के दौरान काजल की मृत्यु हो गई और गगहा थाने में विजय प्रजापति सहित 5 के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें नामजद जयंती देवी अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि सीएस फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है तथा जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में गगहा थाना प्रभारी राम भवन यादव, कांस्टेबल विजय यादव, राजू पटेल, रमेश प्रसाद, मनीष कुमार, महिला कांस्टेबल याशिका चौबे शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, हाँ, उस मामले में नामजद 4 अभियुक्तों में से जो मुख्य अभियुक्त है, जिसके ऊपर आरोप है तो उसने गोली मारी और इसमें उसके माता पिता भी की सहमति थी, उनका द्वारा उकसाया गया था, तो उसमें से उसकी माँ की गिरफ्तारी आज गगहा पुलिस ने करके माननीय न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत किया और वो जेल जा चुकी है। बाकी अभियुक्तों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि हमारी टीमें निरंतर प्रयासरत हैं। जनपद से क्राइम ब्रांच की टीम है, स्वाट है, एसओजी है, थाने के प्रभारी निरीक्षक स्वयं 4-5 दिन से बाहर हैं और उनके साथ उनके कुछ सहयोगी भी हैं, तो हमारी लगभग 4-5 टीमें यहाँ स्थानीय स्तर से लेकर के और बाहर अन्य प्रांतों तक प्रयासरत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाएगी।